क्योंकि ड्यूरिंग इंटरनेशनल पैजेंट्स और जब मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी तो मुझे हमेशा गर्व हुआ ये कहते हुए कि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, पहाड़ से आती हूँ। लेकिन जब मैं वापस 2018 में आई तो पहाड़ से आती हूँ, पहाड़ की बेटी हूँ, तो ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पहाड़ों में जो हमारी बहनों की स्थितियाँ थी, जो हमारी बहनों की परेशानियां हैं, वो मैं बखूबी समझती हूँ। उनके उस इमोशन को समझती हूँ, उनके उस दर्द को समझती हूँ जो हमारी पहाड़ की बहनें, हमारी पहाड़ की महिलाएं हमारे उत्तराखंड में देख रही हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, एक माध्यम बन पाऊँ कि हमारी उत्तराखंड की बहनें, हमारे उत्तराखंड में महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर बना पाए। इसी कोशिश के साथ सन 2018 में हमारी संस्था ने पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं का प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि पूरे उत्तराखंड में हमने 10,000 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। क्योंकि मेरे अनुसार अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो आई फील दैट वुमेन हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती देन शी इज रेडी, शी इज केपेबल इनफ टू टेक हर डिसीजंस इन लाइफ। और उसी उद्देश्य के साथ, उसी एम के साथ आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा युवा, आज कोरोना के दौरान हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे युवा भाई मेरे वापस पहाड़ में आ गए, लेकिन पहाड़ में आ गए अब करेंगे क्या। तो जब मैं पहाड़ों में जाती थी, कई बार मैं अपने सेंटर्स देखने जब पहाड़ में जाती हूँ तो उनका मुझसे एक ही बात कहनी होती थी, दीदी वापस तो आ गए, ये जॉब छोड़ के इस होटल से वापस आ गया, अब क्या करूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बात करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उत्तराखंड जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में आता है, अगर हम अपनी ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान देते हैं, अगर हम एक ऑर्गेनिक खेती के मॉडल को अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाएं तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। आज अगर युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है रोजगार।